तो गाइस अभी हम ये वाला टनल जैसे कि ओपन है तो अभी हम जा रहे हैं इस वाले टनल के अंदर। भैया के साथ में जाएंगे हम टनल के अंदर, देखेंगे क्या अपडेट है टनल की। तो भैया गाइस ये देख सकते हैं हम दूसरी वाली ट्यूब में आ चुके हैं, वो वाली ट्यूब ओपन है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से आए हम तो ये देख सकते हैं हम बिल्कुल टनल के जो दूसरी वाली ट्यूब में एंड पे ये काम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जोरों से काम लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप सेकेंड ट्यूब देख रहे हैं आप, शायद से आपको पहले किसी ने दिखाई हो या नहीं दिखाई हो, तो हम भैया की मदद से आए हैं तो भैया का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं था, फिर भी भैया हमारी वीडियोस देखते थे तो भैया ने कहा मैंने आपकी वीडियो देखी, आओ हम आपको टनल में ले चलते हैं। तो ये देख सकते हैं हम भैया के साथ अभी और आगे जा रहे हैं, तो भैया को आगे आगे रखते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे उस वाली साइड में टनल का ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। एक बार मरोग टनल में भी दिखाई थी गैंट्री, सेम गैंट्री आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, ये देख सकते हैं आप। तो ये सेकंड वाली ट्यूब है टनल की, पीड़ा टनल की सेकंड ट्यूब है जो कि अभी ओपन नहीं हुई है, साथ में इसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ है अभी दूसरे वाले एंड पे। तो ये देख सकते हैं आप, तो काफी तगड़ी गैसेस वगैरह भी, तो ये आ जाती है पीड़ा टनल की सेकेंड वाली ट्यूब। तो यहाँ पे मिक्सर वगैरह ये गैंट्री वगैरह लगी हुई है, यहाँ से आगे अभी टनल के एक ही एंड ओपन हुआ है, दूसरा एंड ओपन नहीं हुआ, ये देख सकते हैं आप। देख सकते हैं आप जोरों से काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है अभी, और क्या बढ़िया काम हो रहा है। तीन चार दिन पहले बाहर से कोई आया है। अच्छा ब्लॉग बनाने है? हाँ बाहर के थे।
गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे एस्केप टनल सा बनाया गया है, जिसकी मदद से हम दूसरे वाले टनल में गए थे, और शायद ही आपको पहले किसी ने दिखाया होगा ये, बट हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते ये देख सकते हैं आप, पेड़ा टनल की जो ट्यूब ओपन है अभी, ये यहाँ से बाहर निकलती है, और जो दूसरी वाली ट्यूब हम दिखाएंगे जो ओपन होने वाली है, अभी ओपन नहीं हुई है, कौन सी जगह पे ओपन होनी है वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये आ जाता है पुराना वाला रोड, वहाँ पे तो वो जो दूसरी वाली ट्यूब है वो निकलने वाली है, वो सामने आपको दिख रहे हैं पत्थर से, वहाँ पे ब्रेक डाउन होगा और वहाँ पे दूसरी वाली ट्यूब ओपन होगी। तो पहले वाली ट्यूब जो पहले से ओपन है वो वहाँ आगे निकलती है, और दूसरी वाली ट्यूब वहाँ पे निकलने वाली है। तो फिर इसका मतलब रोड यहाँ से जाने वाला है, यहाँ से सामने से जाएगा, यहाँ से एक ट्यूब एयर आने वाली है, तो इसमें भी कुछ मंथ्स लग जाएंगे क्योंकि इसमें भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। तब तक के लिए ट्रैफिक जो है दोनों वहीं से जा रहा है, दोनों गाड़ियां वहीं से जा रही है, जो जम्मू से श्रीनगर जा रही है वो भी वहीं से जा रही है, श्रीनगर से जम्मू जा रही है वहीं से जा रही है। तो अगर आप अभी अमरनाथ यात्रा करने वाले हैं तो आप अंदर से ही जाने वाले, इस टनल में से जाने वाले हैं, जो कि अच्छी खबर है। तो जब अगले साल आप आएंगे तब तक तो ये ट्यूब ओपन हो जाएगी, तब तक ट्रैफिक चलने भी लग जाएगा। अभी इसमें कुछ मंथ्स और लग जाएंगे, जैसा भी हमने आपको टनल के अंदर से दिखाया। तो इस साइड में ब्रेक डाउन होना अभी बाकी है, बाकी काफ़ी अच्छा, काफ़ी मीटर्स तक काम हो चुका है। ये वाला जो था इसकी लेंथ जब लगभग 924 मीटर के करीब थी। बाकी जो अच्छी बात है, पुराना वाला रोड था उसको बाईपास करेगा, और वो वाला टनल जो है पुराने वाले रोड के बिल्कुल नीचे से निकलने वाला है, वो देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी वॉल वगैरह दी जाएगी, बाद में दी जाएगी, पहले जब ब्रेक डाउन हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी देख सकते हैं पूरी खिसकने वाली मिट्टी है। तो वो पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे ट्यूब ब्रेक डाउन होगा, वहाँ पे T2 निकलेगी, मतलब ट्विन ट्यूब वाला टनल रहने वाला है ये, सेकंड वाली ट्यूब वहाँ पीछे निकलेगी। तो शायद ही आपको पहले किसी ने दिखाया होगा ये वाला एरिया, तो यहाँ पे सेकंड वाली ट्यूब निकलेगी, पहले वाली ट्यूब जो है वो वहाँ आगे जाके निकली हुई है। तो शायद से आपको अभी भी, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा हम फिर से यहाँ आने की कोशिश करेंगे और फिर से आपको दिखाएंगे ये वाली ट्यूब, साथ में आपको अभी हमने पीड़ा वाला टनल भी दिखाया, फिर से आपको दिखा देंगे टनल। तो बाकी वहाँ पीछे होने वाला है ब्रेक थ्रू, तो ये आप जगह देख सकते हैं, ये अभी थोड़ी सी हाइट में है, बट जैसे ही टनल ब्रेक थ्रू हो जाएगा, एक सुरंग तो उस साइड आ गई ना, दूसरी सुरंग यहाँ पीछे निकलने वाली है पुराने रोड से नीचे, और ये पुरानी वाली वहाँ आ गया जाती है ट्यूब। तो यहाँ पे T2 ओपन होगी, तो यहाँ पर रोड को लेवल में कर देंगे, थोड़ा सा रोड यहाँ पर वाइड करना पड़ेगा, जब एक बार टनल की दूसरी साइड से भी सुरंग हो जाए, ब्रेक थ्रू हो जाए, तो वहाँ पर यहाँ पर भी रोड वाइड कर देंगे, रोड को अच्छा बना देंगे। तो यहाँ पीछे होने वाला टनल ब्रेक थ्रू, दूसरी ट्यूब वहाँ आ गए।